हेलो दोस्तों, सबको सत श्री अकाल। मेरी तरफ से आज हम आपको बताएंगे VIP सिंगिंग कंपटीशन के बारे में, जो कि इस तस्वीर में जैसे आप देख सकते हैं कि ये बच्चा कौन है। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी विजित वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ जिसमें मैं बात कर रहा था, इंडियन आइडल सीज़न 13 में जो सॉरी 12 में जो विनर्स थे, उन्होंने अपनी एक टीम बना ली थी, तो उसी हिसाब से मैं आज बात करूंगा। हिमेश रेशमिया इस शो को होस्ट करने वाले थे, और ये आपके सामने जो एक पिक्चर शो हो रही है, ये ऐसी लड़की की है जो जिसने कमाल करके दिखा दिया था। इनका ये कहना था कि इनकी एक बेटी जो है वो पैरालाइज थी, और उसने ना ऐसे ऐसे कारनामे सारे अंजाम दिए जो आप सोच भी नहीं सकते। इस लड़की ने सिंगिंग कॉम्पिटिशन के अलावा बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी बिना पर इसको इस शो में एज अ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इस लड़की की, तो ये इस लड़की का और आदित्य का दोनों अल्फ़ाबेट ए से ही शुरू होता है। तो आदित्य जो है और अनंदानिया इनका नाम है पड़ा, तो ये काफ़ी फेमस लड़की हैं पड़ी, और इन्होंने काफ़ी ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्टेस्टेंट के साथ साथ इन्होंने ऐसे चैम्पियंस ट्रॉफीज जीती हैं जिसकी बिना पर इनको आगे परफॉर्मेंस दी गई। हमारा मेन मरकज़ ये है कि आज हम आपको बताएंगे कि इंडियन आइडियल में जो विनर्स थे उनकी ने अपनी टीम बनाई थी, और उनकी टीम में सबसे अच्छा कॉन्टेस्टेंट जो था वो था हमारी। जी हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि उस गाने का नाम था हर खुशी दिल बदल रही है। तो ये सॉन्ग वाकई ही कमाल का सॉन्ग है, जो कि मोहम्मद फैज़ ने और अनुनीता कांजीलाल में गाया है, और इसको सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट जो की है वो हमारी साहिली थी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की परफॉर्मेंस, और आप लोगों को क्या लगता है कि जो हमारे सुपरस्टार सीज़न 2 के विनर्स हैं पड़े, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मोहम्मद फैज़, तो इसकी परफॉर्मेंस पर आप लोग कितने नंबर देंगे? मैं तो इनको 100 of 100 ही दूंगा। आप लोगों को क्या लगता है, मोहम्मद फैज़ परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अरसे से काफ़ी अच्छी जा रही है, और इन्होंने जो ड्यूट सॉन्ग गाया है हमारी अरुणिता कांजीलाल के साथ, वो वाकई ही काबिले कबूल है या नहीं? मुझे तो इस परफॉर्मेंस पर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मोहम्मद फैज़ एक वाहिद सिंगर है जिसने अपनी मेहनत और बलबूते के ऊपर ही इस मंच को संभाले रखा, और इसी के साथ हमारे दूसरे सेकेंड रनर अप रहे थे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मानी जो थे वो सेकेंड रनर अप रहे थे। इन सबको जो डील कर रहे थे वो हमारे पवनदीप राजन ही थे। पवनदीप राजन असल में इनका जो कॉन्टेस्टेंट था वो मानी था, और मानी को खींच कर ले गई थी अरुणिता कांजीलाल। आप लोगों को ये फैक्ट कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अरुणिता कांजीलाल और इसके साथ हमारी साहिली भी कमाल की परफॉर्मेंस दे रही थी। अरुणिता कांजीलाल की परफॉर्मेंस साहिली से काफ़ी बेस्ट थी, ये आप लोग सब लोग जानते ही हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप हमारे जो सुपरस्टार सीज़न 2 के सिंगर हैं, इनकी आप परफॉर्मेंस देख ही सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया गया हूँ। और इन सब पर जो खुश थी हमारी सयाशी गुप्ता, जो बहुत ही खुश नज़र है इस परफॉर्मेंस पर, और जैसा कि हर शो में होता है कि छोटे छोटे बच्चे इसका ऑडिशन का मज़ा ही लेते हैं, तो जजेस ने इनको आउट ऑफ 100 में से 100 ही नंबर दिए थे इस परफॉर्मेंस पर। और जैसा कि इंडियन आइडल में होता है कि मौसम चेंज करने का, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा सीन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे गोल्डन माइक दिए जाते हैं कि आप अपनी बिना पर आप खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ और भी जजेस काफ़ी सारे हैं पड़े जिन्होंने इनको परफॉर्म करने की काफ़ी अच्छी इजाज़त दी थी। तो आप लोगों को साहिली और मोहम्मद फैज़ की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, जैसे कि मुझे मोहम्मद फैज़ पसंद है, आप लोगों को कौन पसंद है ये मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लाजमी बताइएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो को हो गया इख्तिताम, मिलते हैं अगली वीडियो में, और हर बार की तरह आपसे जैसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी ऐसी मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा।